चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने पहले थ्रेड में एक गांठा लगा लिया है ऐसे, और फिर 1 2 3 4 स्किप करके जस्ट इसके सामने वाले में से डाल के, फिर यहाँ से भी 1 2 3 4 स्किप करके यहाँ से निकालेंगे, फिर यहाँ से 1 2 3 4 स्किप करके यहाँ से निकालेंगे, फिर 1 2 3 4 स्किप करके फिर यहाँ से निकालेंगे, इसी तरीके से 1 2 3 4 स्किप करके यहाँ पर लाएंगे, 1 2 3 4 स्किप करके यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ से 1 2 3 4 स्किप करके यहाँ पे आएंगे। यही प्रोसेस में बार बार करना है। देखिएगा 1 2 3 4 स्किप करके फिर यहाँ पे आएंगे, 1 2 3 4 स्किप करके यहाँ पे आना है, फिर 1 2 3 4 स्किप करके यहाँ पे आना है, फिर 1 2 3 4 स्किप करके यहाँ पे आना है। इसी तरीके से ये प्रोसेस हमें कंप्लीट करना है। देखिए पूरा प्रोसेस करके आपको दिखाते हैं कि कैसे बनेगा। ये देखिए ऐसे यही प्रोसेस हमें बार बार रिपीट करना है जब तक ये लूम भर न जाए। इस तरीके का फ्लावर चाहते हैं इसे पतला चाहे गजिन, उस तरीके का फ्लावर इसे बना सकते हैं। बस हमें 1 2 3 4 ये स्किप करना है और कुछ नहीं। इधर से भी 4 ऐसे स्किप करते हुए पूरा हमें कंप्लीट करना है। कंप्लीट करके फिर बताते हैं आगे हमें कैसे क्या करना है। देखिए ऐसे कंप्लीट करने के बाद थ्रेड में हमने नीडल डाल दी है, ऐसे डालने के बाद इसको यहाँ से छू के ऐसे नीचे से इसमें ऐसे डाल देते हैं। में ऐसे निकाल के छोटे वाले फ्लावर में भी जो ये दिख रहा है इसमें इसमें से भी निकाल के गांठ लगाने के लिए, ये छोटे वाले दिख रहे हैं इसमें
कीट करके तो बताते हैं आपको।